हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्कैनर। और आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या अंतर होता है। असल में जो बॉडीज़ की क्लासिफिकेशन होती है वो होती तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के सबसेट हैं स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की ही कैटेगरी में स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी आता है। तो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या अंतर होता है और इनका फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं या फिर ये अबॉलिश कैसे किए जा सकते हैं, इसके कॉम्पोजिशन, इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं और ये तीनों तरह के बॉडीज़ कहाँ से अपना पावर डिराइव करते हैं, ठीक है, ये हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक सीधा सा फंडा जान लो यार कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जिसका मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट या आर्टिकल में उस बॉडी का मेंशन होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई भी बॉडी जिसका मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिले, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट या आर्टिकल में किसी भी बॉडी का मेंशन मिले आपको, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है वो है इलेक्शंस, और उसके अंदर आता है आर्टिकल 324 जो कि है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, तो आपको पता चल गया होगा कि हमें इलेक्शन कमीशन का जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी प्रकार से फिर आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका मेंशन आपको पार्ट 14 में मिलता है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं, अक्सर जनरली देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो चीफ होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऐसे प्रोविजंस हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछे जाते हैं। तो आप सीधी सी बात जान लीजिए कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चीफ को, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखे गए हैं प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन दोनों कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रेसिडेंट करते हैं। दूसरा ये है कि ये किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाए गए होते हैं। मान लीजिए इस इलेक्शन कमीशन है, इसका काम क्या है, वो डायरेक्शन देती है कि हमारे देश में कैसे इलेक्शंस होने चाहिए, डायरेक्ट करती है, उसे कंट्रोल करती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पावर हैं, और वो जो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है देश में इलेक्शन अच्छे से कराना, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो और जैसे आपका फिर UPSC हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्वेंट्स को अपॉइंट करती है, फिर आगे जो भी है, तो मतलब आप जान गए होंगे कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बनी रहती है, ठीक है। अब एक पॉइंट और है कि इट कांट बी अबॉलिश्ड विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। जी बिल्कुल, उसके पीछे रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन मिलता है उसे, ठीक है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को अबॉलिश करना रहे तो मतलब हमें एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी इस टाइप के, अगर हमें स्टेट्स का कंसेंट नहीं मिलता है, अगर सेंटर को, यूनियन को स्टेट का कंसेंट नहीं मिलता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अबॉलिश नहीं कर सकती, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फॉर्म टू कंटिन्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही फिर इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन दिया है, तो इलेक्शन कमीशन को जो है पावर है और उसे उसकी उसको एक जिम्मेदारी दी गई है, वो हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जो थोड़ा सा ग्रोथ में बाकी समाज से पिछड़ा रह जाए। तो इसकी वजह से फिर आपके नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST ये सब बने हुए हैं।
तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंडर भी कई सारे बॉडीज हो सकते हैं, इट इज़ वेरी पॉसिबल। जैसे उसकी कोई एडवाइजरी बॉडी या फिर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बॉडी, ठीक है, वो हो सकती है, लेकिन उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन है, पार्ट 15 था कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शंस। उसमें आर्टिकल 324 है आपका, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। फिर आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको आर्टिकल 315 से लेकर 323 मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, पार्ट 14 में मिलेगा, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। फिर आपका फाइनेंस कमीशन, जो आपको आर्टिकल 280 में मेंशन मिलता है, पार्ट 12 में। पार्ट 12 क्या है, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। उसके बाद फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी, आर्टिकल 338 में, पार्ट 16 है आपका, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338A, ये भी आपको पार्ट 16 में मिलेगा। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, ये पहले एक ही बॉडी थी, लेकिन फिर 89th अमेंडमेंट हुआ 2003 में और इसे अलग अलग कर दिया गया। इसीलिए आप देख सक रहे होंगे कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 338A में है। तो आगे एक अल्फाबेटिक जुड़ा है, अल्फाबेटिक कैरेक्टर जुड़ा है, तो आप समझ गए होंगे कि एक अमेंडमेंट से ही जुड़ा है। तो बिल्कुल, ये 89th अमेंडमेंट 2003 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना था। फिर आपका कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पार्ट 5 में, जो चैप्टर 5 होता है, पार्ट 5 हमारा द यूनियन गवर्नमेंट है, उसमें चैप्टर 5 है, वहाँ पे आपको CNDG का मेंशन मिलेगा आर्टिकल 148 में। फिर आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी पार्ट 5 में ही इसका मेंशन मिलेगा, जो कि है द यूनियन गवर्नमेंट। चलिए, आई होप कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैंने सब कुछ बताया है आपको, ठीक है, अब इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ें नहीं हैं। और भी बॉडीज़ हैं, जैसे स्पेशल ऑफिसर ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वो सब आप जो है सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपको लक्ष्मीकांत सर के पॉलिटी के बुक में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर कौन कौन सी बॉडी होती है, स्टैचुटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो फिलहाल अभी आप एक ही चीज़ जान लो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वही बॉडीज़ होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं होती। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। बस एक ही फंडा है, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं मिलता है। अब इसके अंडर जो दो चीज़ें हैं, इसका एक दो इसके सबसेट हैं, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों में अंतर क्या होता है। ये भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है, एक बार आप जान लेंगे तो आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होते हैं। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिन्हें पार्लियामेंट में किसी एक्ट को पास करके बनाया गया होता है। ठीक है, एकदम सीधा सा फंडा है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नहीं है, कोई नहीं, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और एक उसके अंडर एक बॉडी बना दी, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी है, हम आगे सब देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी एक्ट पास करेगी पार्लियामेंट, उस एक्ट में उस बॉडी के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, कॉम्पोजिशन सब मेंशन होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी एक्ट पास कर दिया, कुछ भी ऐसा ब्लैंक पेज में कुछ भी लिख के पास कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेंशन होना चाहिए और एक्सप्लिसिटली मेंशन होना चाहिए, कोई भी फैक्ट ऐसा मतलब छुपा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वहीं से लूप होल लोग ढूंढना चालू कर देते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमारे देश में ऐसा बहुत होता है। तो हर चीज़ मेंशन होना चाहिए, उसके फंक्शंस, वो क्या क्या करेगी, ठीक है, वो क्या क्या करना चाहती है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कि मतलब चेयरमैन कैसे रहेंगे या फिर चेयरमैन के अंदर कौन कौन सी बॉडीज रहेंगी, तो जो भी है सब कुछ मेंशन होना चाहिए उस एक्ट में। ठीक है, और स्टैचुटरी बॉडीज़ को अगर चेंज करना है, स्टैचुटरी बॉडीज़ का कोई प्रोविजन चेंज करना है या फिर उसे ख़त्म करना है, तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें स्टेट्स का कंसेंट, नहीं, स्टेट्स का कंसेंट कोई ज़रूरी नहीं है, बस उस एक्ट को अमेंड कर दीजिए। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने उस एक्ट को अमेंड कर दिया तो वो स्टैचुटरी बॉडी को चेंज किया जा सकता है या उसके किसी प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है, एंड इवन उसको अबॉलिश भी किया जा सकता है।
हम आगे थोड़ा सा देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, फिर आपको वहाँ भी मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। चलिए एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, पहला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको कौन सा लॉ बैक करता है, कौन सा एक्ट बैक करता है, तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर प्रोविजंस हैं कि एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेटअप हो। ठीक है, तो सीधी सी बात जान लीजिए कि एक एक्ट बना, ठीक है, और उस एक्ट से ये बॉडी का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है एक बॉडी क्रिएट की गई। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मिलेगा, तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टैचुटरी बॉडी क्या होती है। दूसरा एग्जाम्पल है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से पावर अपना डिराइव करता है। तो जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, अगर हो सके तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछी गई हैं, प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं, तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको कौन सा लॉ बैक करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट जो है, सॉरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ये हमेशा से स्टैचुटरी बॉडी नहीं थी, ये हमेशा से स्टैचुटरी बॉडी नहीं थी। 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आया, जिसकी वजह से इसे स्टैचुटरी स्टेटस मिल गया। ठीक है, ये हमेशा से सीवीसी जो है हमेशा से स्टैचुटरी बॉडी नहीं था। फिर आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको कौन सा लॉ बैक करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा और आपको लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी की बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो खैर एक छोटा सा छोटी सी बात है कि स्टैचुटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसे पार्लियामेंट में लॉ पास करके या फिर एक्ट पास करके क्रिएट किया जाता है, और वो जो बॉडीज होती हैं वो किसी एक्ट से पार्लियामेंट में किसी पास्ट किसी लॉ से अपना पावर डिराइव करती हैं। चलिए तीसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी, इजी है, बहुत इजी है कि ये वो बॉडीज होती हैं जिसका ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, ना तो वो किसी एक्ट या किसी लॉ से पावर डिराइव करती हैं, मतलब ना तो इससे रिलेटेड कोई लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इन बॉडीज का मेंशन है। ठीक है, ये कैसे पास होता है, मान लीजिए हमारे जो हमारा जो कैबिनेट है या फिर कोई मिनिस्ट्री, ठीक है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर, ठीक है, यूनियन या स्टेट की मिनिस्ट्री ने कोई भी बॉडी बना दी, ठीक है, एक ऑर्डर पास किया कि इस बॉडी को हम बना रहे हैं नया, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गई। उसके पीछे ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होती है, ना कोई लॉ बैकिंग होती है, ना कोई एक्ट ही बना रहता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल आपका नीति आयोग है, ठीक है, पहले ये प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन बहुत इनफेमस रहा है, ठीक है, और मोदी सरकार की ये कोशिश रही है कि उस पर थोड़े से कुछ ह्यूज रिफॉर्म्स लाए जाएँ, जिसे तो उसी दिशा में एक नीति आयोग बनाया गया, एक थिंक टैंक है ये। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल आपका आधार, UIDAI। देखिए ये अभी आपका एग्जाम्पल में ये अप्लीकेबल नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है कि 2016 में इसे स्टैचुटरी स्टेटस मिल चुका है। ठीक है, पहले इसके पास कोई स्टैचुटरी स्टेटस नहीं था, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। तो लेकिन बहुत हल्ले हंगामे हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सरकार से जल्द इसे या तो स्टैचुटरी या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, तो पार्लियामेंट ने इसी दिशा में काम करके जो है एक आधार एक्ट 2016 बनाया, जिससे UIDAI को एक स्टैचुटरी बैकिंग मिल गई। ठीक है, अभी फिलहाल ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आप रिवाइज कराना चाहता हूँ, हमने अभी तक क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंडर दो कैटेगरीज होती हैं, स्टैचुटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, स्टैचुटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट में किसी लॉ या एक्ट को पास करने के बाद उसको क्रिएट किया जाता है और उसके पीछे पार्लियामेंट की कोई एक्ट की बैकिंग होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा बनाई जाती है, मतलब ऑर्डर ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन और स्टेट या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जो बॉडीज बनाई जाती हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंस सबका समझ आ गया। मैंने ये वीडियो एकदम शॉर्ट में रखने की ही कोशिश की है ताकि आपका वक्त ज़्यादा जाया ना हो और
अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी ताकि थोड़ी सी सॉरी वो माइक्रोफोन का प्रॉब्लम था। हाँ, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सा प्रेरित करें कि मैं और आगे भी वीडियोस बनाऊं। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेरी हो, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, मुझ में कोई कमी रह गई हो, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें, ठीक है? मैं आगे सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।